नमस्ते कार, और आज हम खड़े हैं इंडियन हैचबैक के सामने जिसका नाम है Hyundai i10। 1997 में लॉन्च हुई थी और ये सेकंड जनरेशन आप देख रहे हैं। पेट्रोल, एलपीजी और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आती थी। शुरू होती थी 4,40,000 से और टॉप मॉडल की कीमत थी 5,20,000 रुपीज़। ये स्पोर्ट्स वेरियंट आप देख रहे हैं। 2017 में डिसकंटिन्यू कर दिया है Hyundai ने i10 के इस मॉडल को। ग्रैंड i10 ने रिप्लेस किया है इस i10 को। 2008 की इंडियन कार ऑफ द ईयर रही है i10। i10 की पुरानी जनरेशन का नाम सेंट्रो था। फ्लूइडिक स्कल्पचर डिज़ाइन लैंग्वेज है i10 की। टॉप मॉडल एस्ट्रा में फॉग लैंप्स मिलेंगे और ये क्रोम लाइंड ग्रिल, Hyundai का लोगो, और ये है 3D रैप अराउंड क्लियर हेडलैम्प, वाइपर, माइक्रो रूफ एंटेना। डेवलपमेंट के दौरान Hyundai PA नाम था i10 का। थॉमस बर्कल ने डिज़ाइन की है ये फर्स्ट जनरेशन i10। 3.5 मीटर लेंथ है, 1.5 मीटर हाइट है, 165 mm ग्राउंड क्लियरेंस है और लगभग 940 kg कर्ब वेट है। 13 इंच के स्टील व्हील्स आते थे। ये आफ्टर मार्केट 13 इंच अलॉय व्हील्स आप देख रहे हैं। ट्यूबलेस टायर्स हैं, आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। और ये Kappa2 इंजन की बैजिंग, ORVM पे टर्न इंडिकेटर्स हैं, इलेक्ट्रिक हीटेड आउटसाइड मिरर्स मिलेंगे। डॉज i10 और इनोकॉम i10 भी कहा जाता था कुछ कंट्रीज़ में। i10 को सबसे पहले इंडिया में बनाया गया था, इसलिए ये इंडियन कार है। मलेशिया में भी असेंबली होती थी i10 की। और ये स्पॉइलर स्टॉप लैंप के साथ, और ये रियर कॉम्बिनेशन लैंप, i10 की बैजिंग, ये स्पोर्ट्स वेरिएंट की बैजिंग, और ये रियर वाइपर वॉशर के साथ, ये क्रोम फिनिश, 1.2 लीटर इंजन की बैजिंग, Hyundai की बैजिंग, 1100 सीसी यू लाइन CRDI डीजल इंजन और 1000 सीसी कापा पेट्रोल इंजन भी आते थे i10 में, बट वो मॉडल्स इंडिया लॉन्च नहीं किए गए। Hyundai ब्लू ऑन नाम से i10 का इलेक्ट्रिक वेरिएंट भी बनाया गया था, बट वो भी इंडिया लॉन्च नहीं किया गया। और ये i10 डोर वाइज़र, और ये VTVT सिस्टम की बैजिंग, वेरिएबल टाइमिंग एंड वेल्व ट्रेन सिस्टम। किया पिकांटो से भी रिलेशन है i10 का। ये ग्रे कलर आप देख रहे हैं, रेड, वाइट, सिल्वर, बीज और ब्लैक कलर के भी ऑप्शन आते थे। सेफ्टी के लिए एशियन एनकैप ने 5 में से 2 स्टार्स दिए हैं i10 को। आगे कॉइल स्प्रिंग के साथ मैकपर्सन स्ट्रट सस्पेंशन और पीछे कॉइल स्प्रिंग के साथ कपल्ड टॉर्जियन बीम एक्सल मिलेंगे। Hyundai किया के SA प्लेटफॉर्म पर बनी है i10, जिस पे ईऑन और किया रे भी बने हैं। सेफ्टी के अंदर 2 एयरबैग्स, सेंटर लॉकिंग, कीलेस एंट्री, ABS, रिवर्स पार्किंग सेंसर, इंजन इमोबिलाइजर, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक और सीट बेल्ट्स मिलेंगी प्री टेंशनर्स के साथ। आइए बूट खोलकर देखते हैं। तो यहाँ आपको मिलेगी 225 लीटर की बूट स्पेस, और ये टूल किट है ऊपर, और ये स्पेयर व्हील, आइए पैसेंजर साइड डोर खोलकर देखते हैं। डोर हैंडल पे क्रोम फिनिश है, यहाँ थोड़ी स्पेस दी गई है, पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं। फैब्रिक अपॉल्स्ट्री आती थी, ये विनाइल सीट कवर्स आप देख रहे हैं। फोल्डिंग रियर सीट्स हैं, और ये 2 हेडरेस्ट, सीट के पीछे पॉकेट्स हैं, और इलेक्ट्रिक सनरूफ आप ऑप्शन में लगवा सकते थे। और ये पीछे एक बॉटल होल्डर है, और ऐसा दिखता है फ्रंट का डैशबोर्ड। 2-टोन बीज एंड लाइट ब्राउन कलर डैशबोर्ड है,
सेंटर कंसोल पे मेटल ग्रेन फिनिश है, आई शिफ्ट गियर कंसोल है। और ये है फ्रंट पैसेंजर साइड डोर का लुक, डैशबोर्ड। आइए अब ड्राइवर साइड डोर खोल कर देखते हैं। यहाँ पर नीचे थोड़ी स्पेस दी गई है डोर पे, स्पीकर है और ये पावर विंडो के कंट्रोल्स, ORVM के कंट्रोल्स, क्रोम फिनिश, ये टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन और ये फ्यूल लिड ओपन करने का लीवर। और यहाँ से भरेंगे पेट्रोल। आई रिलैक्स फ्रंट सीट्स हैं, सीट कवर्स पे भी i10 की एम्बॉसिंग है। और ये पेडल्स, फ्यूज बॉक्स और ये बोनेट खोलने का लीवर। ये लाइट के कंट्रोल्स हैं, एसी वेंट, टिल्ट स्टेयरिंग है। टॉप मॉडल में स्टेयरिंग पे कंट्रोल्स आते थे। आइए कार ऑन कर लेते हैं। यहाँ दो ग्लास होल्डर्स हैं, मैनुअल हैंड ब्रेक है, हैंड ब्रेक के नीचे भी थोड़ी स्पेस दी गई है और ये 12V का चार्जिंग पोर्ट है। दो ग्लास होल्डर्स और ये है 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन। 4-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन आता था। और एक और 12V का चार्जिंग पोर्ट, ऑक्स और USB के पोर्ट और ये मैनुअल AC। और ये है इन्फोटेनमेंट, सपोर्ट करेगा रेडियो, CD, ऑक्स, USB और ब्लूटूथ। टाइम भी दिखा रहा है। ऑक्स, CD, FM रेडियो के बटन्स हैं ऊपर। क्लॉक, साउंड, बेस, वॉल्यूम। और ये डैशबोर्ड के फिनिश। और ये ग्लो बॉक्स, काफ़ी स्पेस है यहाँ पे। और ये पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर, रियर व्यू मिरर, ये रीडिंग लाइट है। ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर मिलेगा। और ये है इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेयरिंग। टॉप मॉडल में लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील आता था। और ये लाइट के कंट्रोल्स हैं और ये वाइपर के कंट्रोल्स आगे पीछे। और ये है ब्लू हाईलाइट में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, साथ में मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है जो दिखाएगा गियर शिफ्ट इंडिकेटर, टैकोमीटर, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंडिकेटर, डिजिटल क्लॉक, इलेक्ट्रॉनिक ट्रिप मीटर, ओडोमीटर और वार्निंग्स। आइए फ्रंट का बोनेट खोलते हैं और देखते हैं 1200cc पेट्रोल इंजन। तो ये है इनलाइन 4-सिलेंडर 1200cc DOHC Kappa2 VTVT पेट्रोल इंजन। 79 हॉर्स पावर है, 111 Nm टॉर्क है, 18 का एवरेज मिलेगा 35 लीटर के फ्यूल टैंक से। पेट्रोल में एक और इनलाइन 4-सिलेंडर 1100cc IRDE2 Hyundai Epsilon इंजन आता था। उसकी थी 68 हॉर्स पावर, 99 Nm टॉर्क और वो देता था 15 का एवरेज। LPG वेरिएंट देता था 18 का एवरेज। और ये Kappa2 VTVT पेट्रोल इंजन आप देख रहे हैं। तो कैसी लगी आपको Hyundai i10 हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।